लोसल में माकपा किसानों ने वीसीआर भरने के विरोध में लोसल जीएसएस पर धरना दिया और थाने का घेराव किया। धरने में अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमरा राम, प्रदेश अध्यक्ष पेमा राम, माकपा जिला सचिव किशन पारिक, एडवोकेट गोविंद राम सहित सैकड़ों माकपा कार्यकर्ताओं और किसान मौजूद रहे। लोसल जीएसएस पर धरने के बाद किसान और माकपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने का भी घेराव किया। किसान और माकपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमरा राम ने कहा, झूठी वीसीआर भरकर किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जीएसएस पर धरने के दौरान अमरा राम ने कहा, अलवर में घर घर में सीधी लाइनें डाल रखी है। एक बार भात के कार्यक्रम में बिजली फॉल्ट से 16 जनों की मौत हो गई थी। अमरा राम ने कहा, एकता में ही ताकत है। पहले लोग कहते थे पेमाराम अमरा राम के कारण समस्या बड़ी है। उन्होंने कहा, भाजपा कांग्रेस एक है। वसुंधरा के समय कांग्रेसी नेता के 273 करोड़ रुपए की पेनल्टी माफ की गई थी और किसानों को वीसीआर के नाम पर परेशान किया जा रहा है। किस मांग को लेकर थाने का घेराव किया आपने? लोसल में एक तथाकथित डीटीएच यूनियन के नाम से जो गुंडागर्दी कानून हाथ में लेकर जिस तरह से दूसरी डीटीएच जो सस्ते में किसानों के करते हैं उनके साथ जिस तरह की ज्यादती करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और झूठे मुकदमे दर्ज करा करके पुलिस के डीवाईएसपी थानेदार के सामने झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं, इस लूट के खिलाफ किया है। और डीवाईएसपी ने ये इंश्योर किया है कि कोई भी डीटीएच मशीन को ये तथाकथित यूनियन अगर उसको कोशिश करती है तो आप हमें टेलीफोन करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और पूरी डीटीएच उसका बोर करके ही वापस जाएगी। इस गुंडागर्दी को भी नहीं चलने देंगे और जो झूठा मुकदमा दर्ज कराया है उसकी एफआईआर लगाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से किसानों के साथ जिस तरह की तथाकथित यूनियन के नाम से जो लूट हो रही है, डेडी रेट लेकर के मनमर्जी जो करते हैं, इसके खिलाफ थाने का घेराव था। पुलिस के अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब दिया है और मैं समझता हूँ उसको पूरा करेंगे। किन मांगों को लेकर धरना दिया था? आज मोटे तौर पे राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से बिजली में लूट कसोट बीसीआर के नाम पे मनमर्जी के मुताबिक रात को बीसीआर भरना, झूठी बीसीआर भरना और जिस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, न केवल बीसीआर रेट बढ़ा करके बिजली में जिस तरह से स्थायी सेवा शुल्क में किसी के 600 रुपया लगा दिया, किसी के 800 रुपया लगा दिया और एक लट्टू भी चाशने वाले के 3-3, 4-4 हजार रुपए का बिल भेज करके जिस तरह से लूट कसोट मजार की है, न केवल वो है बीसीआर है, सप्लाई का जहां तक सवाल है, सप्लाई तो मोटे तौर पे कभी भी लगातार सप्लाई नहीं रहती। रात को खाना खाने वाले टाइम पे 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बिजली काट देते हैं। सिंगल फेस भी ट्रिपेश बिजली जो एग्रीकल्चर के काम में आती है वो भी ट्रिपिंग लगातार ट्रिप रह करके बिजली सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए बिजली सप्लाई रेगुलर करो, बीसीआर के नाम पे लूट को बंद करो और जो बिलों में नाजायज तरह से आपने स्थायी सेवा शुल्क जोड़ करके वसूली कर रहे हो उसको बंद करो। इन सवालों को लेकर के आज बिजली महकमे पे ये प्रदर्शन है। यहाँ सर्किल अफसर भी आया है, यहाँ एक्शन भी आया है, यहाँ आईएन भी है, तमाम लोगों से बातचीत हुई है। उन्होंने मानना भी है कि वाकई में ये जो कमी खामी है सप्लाई का जहाँ तक सवाल है, हम कोशिश करेंगे कि सप्लाई अब अनट्रिप्ट हो और बिलों को हम चेक करवा करके जिन पे नाजायज बिल लगाया है अभी तो उन्होंने ये कहा है, अब देखते हैं वो करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो 16 सितंबर को सीकर की कृषि उपज मंडी में पूरे सीकर जिले के तमाम किसानों को एक साथ इन्हीं सवालों को बुला करके फिर ऐलान करेंगे गहलोत सरकार से आर पार लड़ाई लड़ने का। लेकर सर किसान धरने पे बैठे हैं आपके कार्यालय? अखिल भारतीय किसान सभा ब्रांच कमेटी लोसल की तरफ से मांग पत्र दिया गया है जिसमें 8 बिंदु हैं जो मोटे रूप में कई नीतिगत बिंदु हैं, उनको तो ऊपर भेजा जाएगा और कुछ स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं उन पर उनसे आश्वासन दिया है, उनकी बातों को सुना है और उस पर हम करेंगे। खासकर वीसीआर को लेकर है और बिजली बिलों में बढ़ोतरी है तो वो ऊपर प्रस्ताव भेज दिया जाएगा और अघोषित बिजली कटौती के बारे में उनको बता दिया गया है कि तकनीकी कारणों से कई बार होती है, इसमें कोई बात नहीं है। और जहाँ भी उन्होंने बिजली सुधार की ओर मांगें की हैं, जिस एरिया में पेड़ कटवाने के संबंध में या मेंटेनेंस के संबंध में, इस पर हम समयबद्ध तरीके से शीघ्र निस्तारण करें। कुल कितनी मांगे सर किसानों की? इन्होंने 8 मांगे थी।